हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, आपको पता है कि हरियाणा में डेली डीसीरेट जॉब्स का नोटिफिकेशन निकल कर आते हैं, किसी न किसी जिले के अंदर, किसी न किसी गाँव के अंदर। अगर आपको भी डीसीरेट जॉब पर लगना है, डीसीरेट जॉब पर किस टाइप से लगा जाता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस टाइप से उसका फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए डीसीरेट जॉब्स के रिगार्डिंग, आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर जितने भी डीसीरेट जॉब्स निकल कर आती हैं, कौन से विभाग में कितनी पोस्टें आ रही हैं, इस टाइप की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, आपको तब तक डीसीरेट जॉब मिलेगी जब आपको पूरी आपको जानकारी होगी कि आपके जिले के अंदर कौन से विभाग में डीसीरेट जॉब आ रही है। इस टाइप की अगर आपको पूरी जानकारी टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि आपको डेली इसी टाइप से न्यू अपडेट्स टाइम टाइम समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली है, हरियाणा के अंदर जो डीसीरेट जॉब्स का एक बड़ा अपडेट आ गया, हरियाणा रोडवेज के विभाग को लेकर ड्राइवर कंडक्टर वैकेंसी जिसमें आ रखी थी। आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल को यह भर्ती दोबारा से रोक दी गई थी। आज क्या फैसला है हरियाणा सरकार को, यह भर्ती कब से दोबारा शुरू होने वाली है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना हरियाणा रोडवेज के लिए। जो भी मेरे भाई और बहन अभी तक इस चैनल पर पहली बार आया है, तो अभी की अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको हरियाणा जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। जिसमें हरियाणा के अंदर आपको पता है कि पिछले एक दो साल से हरियाणा में सरकारी नौकरी तो कोई निकल कर आ नहीं रही, सभी भर्तियों को रोक दिया गया। उसको चलते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत होती है हरियाणा सरकार में, आपको पता है, जिसको लेकर हरियाणा में डीसीरेट जॉब्स के तहत वहां पर भर्तियां रेगुलर चल रही हैं, कैंडिडेट लिए जा रहे हैं डीसीरेट जॉब्स में। तो अगर आपको भी डीसीरेट जॉब्स के तहत अगर नौकरी पर लगना है, तो बिल्कुल आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है, एक महीने के अंदर अंदर आपको जॉब्स मिल सकती है। परंतु आपके दिमाग में फितूर होता है मेरे भाई और बहन, डीसीरेट जॉब्स वही कैंडिडेट लगता है जो पैसे देकर लगता है, या तो वो कैंडिडेट लगवा सकता है आपको डीसीरेट जॉब पर, या पहले से जो कैंडिडेट डीसीरेट जॉब पर लगा रहता है। ऐसा मेरे भाई और बहन बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, या तो पैसे में डीसीरेट जॉब मिले, या वैसे आपको जो कैंडिडेट लगवा सकता है जो पहले से डीसीरेट जॉब पर हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अपना टाइम वेस्ट करना और अपना पैसा वेस्ट करना है, क्योंकि हजारों की संख्या में आज के दिन हमारे चैनल से बच्चे डीसीरेट जॉब पर सेलेक्टेड है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर भी आप ऐड हो सकते हैं। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 24 घंटे आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे भाई और बहन बेझिझक होकर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, हमारी जो टीम हो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी आपके न्यू अपडेट्स आते रहेंगे रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। आप दूसरे जिले के अंदर भी अगर अपनी इच्छा अनुसार नौकरी करना चाहते हैं, तो वहां के भी आपको अपडेट रेगुलर देखने को मिलेंगे, और वहां पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसी टाइप से न्यू अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। और आज का अपडेट क्या है, हरियाणा रोडवेज को लेकर आपका जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई करना होगा, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, पूरा डिटेल वाइज बता देता हूं, वीडियो पर बने रहे। ओके मेरे भाई और बहन, सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थाई नियुक्ति अब मेरिट पर होगी। आप सभी को मैंने पहले बता दिया था कि आपका जो फॉर्म है वो हरियाणा रोजगार कौशल निगम में आपको अप्लाई किया था। आप सभी को पता है कि हरियाणा रोडवेज की जो भर्ती हुई थी, आप सभी ने हरियाणा रोडवेज की भर्ती को किस में अप्लाई किया था, जो अभी कुछ टाइम पहले 19 अप्रैल को ये भर्ती रोक दी गई थी, उसको हरियाणा रोजगार कौशल निगम में आपने फॉर्म को अप्लाई किया था। उसको लेकर अब नया अपडेट क्या आया था, ये भर्ती क्यों रोकी गई थी, क्या कारणवश था इस भर्ती को रोकने का, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और ये भर्ती दोबारा से कब से स्टार्ट होने वाली है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे भाई और बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे आपके टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहेंगे, और जो भी न्यू अपडेट्स आते रहेंगे हरियाणा में डीसीरेट जॉब्स की, वो भी आपको रेगुलर यहां पर देखने को मिलते रहेंगे। तो मेरे भाई और बहन, ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपको सभी को दिख रही होगी, 14 जून का ये न्यूज़पेपर कटिंग है, आप सभी को साफ-साफ दिख गया होगा इसमें, जिसमें क्या लिख रखा है, हरियाणा रोजगार कौशल निगम में जो भी हरियाणा सरकार के बोर्ड, निगमों और विभागों के अन्य जिन स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी वो किस टाइप से होगी, आपको पूरा इसमें डिटेल वाइज बताऊंगा। जिसको मंजूरी दे दी गई है, पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई, आप सभी को यहां पर दिख रही होगी, मनोहर लाल खट्टर जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये मंजूरी दे दी गई है कि हरियाणा में अब डिसीरेट जॉब्स में भी जो विभागों और बोर्डों के अंदर जो भर्ती होगी उसमें भी मापदंड के नंबर मिलेंगे, अलग अलग स्कोर के नंबर मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको एज जिसकी मान के चलो 24 है, किसी की मान के चलो 34 है, तो वो डिवाइड कर दी गई है, उसके भी नंबर मिलेंगे अब आप सभी को, क्योंकि
क्योंकि आपके इसमें कोई पेपर वगैरह तो होगा नहीं, उसको चलते हो मेरे भाई और बहन। अब मेरिट बेस के हिसाब से सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा तो मान के चलो किसी की 24 ईयर एज है, किसी की 34 है, किसी की 36 है, उसको लेकर जिसकी एज ज्यादा होगी उसको नंबर मिलेंगे, और जिसके हिसाब से एज में मान के चलो नंबर मिल गए, आपकी आय देखी जाएगी, मंथली आय क्या है, ईयरली आय क्या है, उसको लेकर भी आप इसमें नंबर डिवाइड कर दिए गए। और इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा कि हरियाणा रोडवेज में अब किस टाइप से भर्ती होगी और क्यों इस भर्ती को रोक दिया गया था और ये भर्ती दोबारा से कब स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी प्रकार से न्यू अपडेट्स आपके बीच में शेयर करता रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको पहले बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे जो नियुक्तियों के लिए ये जो मापदंड दिए जाते हैं वो किस टाइप से होने वाले हैं, पैरामीटर क्या होंगे, अधिकतम स्कोर क्या होगा, जिसमें सालाना परिवार की आय के जो नंबर होंगे मैक्सिमम 40 नंबर मिलेंगे। आप सभी को बता दूं कि 150 कुल नंबर होने वाले हैं, 150 के अंदर आपको मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन मिलेगा, 150 नंबर इसमें टोटल होंगे, और किस टाइप से इन्होंने डिवाइड किया आपको इसमें एक पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा। जो सालाना परिवार की आय होगी 40 नंबर इसमें डिवाइड कर दिए गए, उम्मीदवार की जो उम्र होगी उसमें मैक्सिमम कितना है 15 नंबर होंगे, कौशल योग्यता होगी जिसमें अगर आपकी जो योग्यता है उसके 20 नंबर होंगे, अधिकतम जो मापदंड होगा उसके 5 नंबर होंगे, सीईटी जो लिखित परीक्षा होगी उसके 10 नंबर होंगे, जो ईज ऑफ डेवलपमेंट होगा उसके 10 नंबर होंगे, मुख्यमंत्री अध्यक्ष जो परिवार के जो नंबर होंगे वो 50 नंबर इसमें दिए जा रहे हैं। ओके, आप सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। तो मेरे भाई और बहन एक चीज बता देता हूँ, जो मुख्यमंत्री अत्यंत परिवार का जो उसमें किसी ने नाम दर्ज नहीं करवा रखा उसके अंदर भी आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हो, इसमें मैक्सिमम 50 नंबर है। तो मेरे भाई और बहन हरियाणा की जो सभी भर्तियों को इसमें डिसीडेड जॉब्स के तहत लिया जाएगा, तो हरियाणा के अंदर जो रोजगार कौशल के निगम या हरियाणा में जो ड्राइवर कंडक्टर और हेल्पर की पोस्टें निकल कर आई थी उसको इसी टाइप से रोक दिया गया था, उसको लेकर अब ये भर्ती दोबारा से रूबरू होने वाली है, दोबारा से स्टार्ट होने वाली है और इसमें नंबर डिवाइड कर दे, हर घर के अंदर एक डिसीडेड जॉब होगा, जिसमें पहले हरियाणा सरकार ने एक गवर्नमेंट जॉब्स निकाली थी इसी टाइप से अब हर घर के अंदर एक डिसीडेड जॉब सालाना कर दिया गया है। सालाना जो परिवार की आय कितनी होगी और किस टाइप से इसमें नंबर होंगे, अगर आपकी घर की आय मान के चलो एक मान के चलो 0 से 101,80,000 रुपए है तो आपको 40 नंबर इसमें दिए जाएंगे, अधिकतम 40 नंबर है, 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए तक आपकी सालाना आय है तो आपको मिलेंगे 30 नंबर, 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में आपने इनकम सर्टिफिकेट है आपके पास में तो आपको मिलेंगे 20 नंबर, 4 लाख से 6 लाख तक आपके बीच में तो मिलेंगे 10 नंबर। इस टाइप से आपकी जो आय है उसके नंबर इसमें डिवाइड कर दिए गए हैं, उम्र को लेकर किस में किस टाइप से नंबर डिवाइड कर दिए गए। अगर आपकी एज मान के चलो हरियाणा में जॉब्स के लिए डिसीडेड जॉब्स के लिए 18 से लेकर 24 साल तक के जो भी मेरे भाई और बहन होंगे उनको 5 नंबर मिलेंगे, जिसमें 24 से 30 साल वालों को मिलेंगे 10 नंबर, 30 से 36 साल वालों को मिलेंगे 15 नंबर। अगर किसी की एज मान के चलो उन्होंने हरियाणा रोजगार कौशल निगम में अपना फॉर्म को अप्लाई कर दिया, अगर वो जॉब पर लगना चाहता है और उसकी एज 30 से 36 ईयर के बीच में, उसको नंबर मिलेंगे 15, 36 से 42 वालों को मिलेंगे 10 नंबर और 42 से ज्यादा वालों को मिलेंगे 0 नंबर। इस टाइप से इसमें 150 नंबर मेरे भाई गुरबैन डिवाइड कर दिए गए। अगर आपको भी हरियाणा रोजगार कौशल के निगम के तहत अगर जॉब पाना है तो बिल्कुल आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पता है कि हरियाणा रोडवेज की भर्ती को क्यों रोक दिया गया था, इसी कारणवश रोक दिया गया था, ये जो नंबर है ये डिवाइड कर दिया गया, इसको लेकर आप हरियाणा सरकार में अपनी एज के हिसाब से जो आय के हिसाब से जिसको जितने नंबर मिलेंगे उसका मेरिट बेस में नंबर आता जाएगा और उसको डिसीडेड जॉब्स टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। तो मेरे भाई और बहन हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल YouTube चैनल है जहां पर डिसीडेड जॉब्स के आपके सभी अपडेट्स रेगुलर देखने को मिलते रहते हैं। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अगला अपडेट आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे आपको टाइम टू टाइम यहां पर रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे, जिसकी हरियाणा सरकार आप बता रही है 25 तारीख तक आपको इस सभी भर्तियों के जो दोबारा से स्टार्टिंग होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इसको मंजूरी दे दी गई है, इसी को लेकर ये भर्ती रोकी गई थी, जिसके अंदर जो भी मेरे भाई और बहन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे उन सभी को दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी न्यू अपडेट्स के साथ जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे, और 25 जून के लगभग आपको ये भर्ती का दोबारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा, और 19 अप्रैल को ये भर्ती रोकी गई थी, इसी कारणवश ये भर्ती रोकी गई थी, क्योंकि मेरे भाई और बहन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि किस इतनी भीड़
डिसाइडेड हो गई थी किस किस को कितने नंबर मिलेंगे और किस टाइप से डीसीलेट जॉब मिलेगी। तो अभी ये डिवाइड कर दिया गया, नंबर आप सभी को बता दिया गया, इस टाइप से जिसके जितने नंबर मिलेंगे उसको मेरिट बेस पर नंबर मिलता रहेगा और डीसीलेट जॉब पर आपको बिल्कुल आसानी से नौकरी देखने को मिलेगी। और आगे से जो भी भर्ती होगी हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत ही भर्ती होगी। तो अभी तक भी आपने जिसने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो हरियाणा रोजगार कौशल निगम में अपना जो फॉर्म है, अपना जो एक्सपीरियंस है, सभी मेरे भाई और बहन वहां पर आपको ऑनलाइन करना होगा। तो जो भी न्यू अपडेट्स आते रहेंगे तो आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। हरियाणा रोडवेज के जो भी न्यू अपडेट आएंगे आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। अभी तक जो भी मेरे भाई और बहन पहली बार चैनल पर आया, पहली बार आया है, उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं मेरे भाई और बहन जिसमें डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होते हैं, कोई भी यूट्यूबर्स नहीं बताता। तो आपका छोटा भाई न्यू अपडेट्स लेकर आता रहता है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।